आज जनसभा में जिस क्या बात हुई हम आपको वो भी बता दें। चुरू में भारतीय जनता पार्टी को इस बार नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यहां से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे राहुल कांसवा ने टिकट काटे जाने पर बगावत कर दी और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस ने उन्हें चुरू से टिकट भी दे दिया। दूसरी तरफ बीजेपी ने चुरू से पद्मश्री से सम्मानित पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझड़िया को मैदान में उतारा। राहुल कांसवा दो बार यहां से बीजेपी के टिकट पर जीते और उससे पहले तीन बार उनके पिता ने बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की। उनके परिवार का यहां जबरदस्त दबदबा माना जाता है। वसुंधरा राजे के वो बेहद करीबी भी समझे जाते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को आकर्षित करने के लिए देवेंद्र झाझड़िया को अपना उम्मीदवार बनाया, जो दिव्यांग होकर देश का नाम खेल के जगत में रोशन कर चुके हैं। आज की सभा में जाट समुदाय से आने वाले देवेंद्र की गरीबी और उनकी प्रतिभा का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अंदाज में किया और किस तरह से उनके लिए वोट मांगा, सुनिए। चुरू में जो उम्मीदवार है देवेंद्र और दिल्ली में है नरेंद्र, आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा देवेंद्र के साथ मेरा बहुत पुराना निकट नाता रहा है। और जब मैं देवेंद्र को पहली बार मिला, जब मैंने उसकी मां की बातें सुनी, मेरे मन को छू गया कि मेरे देश की आन बान के शान के लिए शेखावटी की गरीब मां, अनपढ़ मां, अपना बेटा जिसका शरीर मुसीबतों से गुजारा करने वाला शरीर है, लेकिन उसको भी दुनिया में देश का नाम रोशन करने के लिए मां प्रेरित करती है। और देवेंद्र भी गरीबी की परवाह किए बिना जी जान से जुट करके भारत का सम्मान बढ़ाया है। देवेंद्र को टिकट देने के पीछे मोदी का मकसद यही था कि जो गरीब मां का बेटा होता है उसके सपने भी पूरे होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भी राजस्थान में ही रहेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो हम आंकड़ों से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का बीजेपी की कामयाबी पर कितना असर होता है। विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जिलों में 17 रैलियां की और इस दौरान उन्होंने 117 सीटों को कवर किया। इसका नतीजा कितनी सीटों पर बीजेपी के पक्ष में आया हम आपको वो भी दिखाते हैं। अगर हम पिछले चुनावों की बात करें तो 117 में से 41 ही सीटें बीजेपी के पक्ष में थी या बीजेपी के पास थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुआंधार प्रचार के बाद 74, पहले 41 थी, फिर 74 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। लेकिन इस सफलता के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की सभा में एक खास अपील की। उन्होंने ये अपील बीजेपी के बड़े नेताओं से की। बीजेपी के बड़े नेताओं से उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि हर प्रधानमंत्री की सभा में ये बड़े नेता मौजूद ना रहें, इसके बजाय जो उन्हें क्षेत्र दिया गया है वहां जाएं और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। खास अंदाज में किस तरह की उनकी थी अपील, देखिए ये रिपोर्ट। यहां भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं को भी सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करता हूं, सार्वजनिक रूप से कभी कभी करना पड़ता है। ऐसा है कि चुनाव का समय है, हर किसी के जिम्मे बहुत सारा काम है, लेकिन इनको मन में रहता है कि प्रधानमंत्री जी आए और हम नहीं जाएंगे तो कैसा लगेगा। मेरी आप कार्यकर्ताओं से विनती है कि आप बिल्कुल मेरी चिंता छोड़ दीजिए, सभी कार्यक्रमों में वरिष्ठ लोगों को दौड़ने की जरूरत नहीं है। कोई छोटा कार्यकर्ता भी रहेगा तो मोदी भी छोटा है, छोटे के बगल में बैठ जाएगा। आप कृपा करके सभी कार्यक्रमों के लिए मत दौड़िए।